हेलो दोस्तों, ये इंडियन आर्मी का हाइट नापा जा रहा है। इंडियन आर्मी का हाइट किस तरीके से नापते हैं वो आपको हम पूरी तरह से बताना चाहते हैं कि जब इंडियन आर्मी में पहले हाइट नापा जाता है उसके बाद में चेस्ट मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट किस तरीके से हाइट नाप ऊंची टेप लगाते हैं, बच्चा किस तरीके से बढ़ता है, उसके बाद में हाइट के बाद में जब वेट नापने का वेट भी उसका कितना होना चाहिए, हाइट का होना, वो सब इस वीडियो के माध्यम से सिखाया जा रहा है आपको। धीरे धीरे से अपना लाइन में बारीकी से डालते हैं और बच्चे अपनी हाइट नापाते हैं, हाइट में कैसे पोजीशन होनी चाहिए, हम हाइट में किस तरीके से खड़े हुए, हमारी गर्दन कैसे होनी चाहिए, शोल्डर कैसे होना चाहिए, नीचे पैर कैसे होना चाहिए, वो सब आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप शुरू से वॉच करते रहें लास्ट में तक, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इंडियन आर्मी में आप भर्ती दे सकेंगे और पास हो सकेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप रावत फास्टैग फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाइट मेजरमेंट उसके साथ वेट चेस्ट नापेंगे, तो उसमें बताएंगे बच्चा जब भर्ती देने जाता है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए अपना इंडियन आर्मी के लिए। उसके अलावा जब अपना हाइट मेजरमेंट कराता है तो किस तरीके से उसको खड़ा होना है, उसकी बॉडी मूवमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, तो आज हम पूरा आपको बताएंगे। जैसे कि अब बच्चा हाइट ना पाने जाता है पहले तो अपना शूज निकालने के बाद में कुछ बच्चे ऐसे खड़े जाते हैं ऐसे, तो ऐसे हाइट कभी ना नपाएं, हाइट हमेशा यहाँ से नपती है। तो हाइट के लिए चेस्ट को पेट को सीधा अंदर रखें, अपने शोल्डर टाइट रखें और गर्दन सामने, नज़र सामने होना चाहिए। और जैसे वो बोलते हैं अपना नाम बताएं, नाम बताना है, सांस भी इतने कंट्रोल होना चाहिए हमारे, तो हमको इस तरीके से बताना होता है पूरा हाइट। तो आपको बताएंगे हमारे जब बच्चे अभी हाइट नपाने आएंगे तो उनका हाइट पूरा होगा, चेस्ट भी होगा, वेट भी होगा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम गर्ल्स से स्टार्ट। दोस्तों, अब आपको बता रहे हैं हाइट किस तरीके से, गर्दन सामने, बिल्कुल गर्दन सामने सामने, नजर स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरीके से हमारा पूरी बॉडी तय होना चाहिए। यहाँ पे दोनों पैर जो है 161 ऐसे भी नहीं रखना है, दोनों इससे ही सेट पड़ता है, थोड़ा बिल्कुल सीधे, ठीक है। वेट 43 नेक्स्ट, सीधा स्ट्रेट सामने, दोस्तों इसी तरह से हमारी हाइट मेजरमेंट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दें। देखना आसमान में, इनके सामने देखना, बिल्कुल हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे सावधान मुद्रा में, फिर इनका ज्यादा मिलेगा 165। वीडियो पोस्ट कर लेना, देखना सामने, देखना सामने, देखकर बिल्कुल ऐसे
151 Next. Next. 37 और बैल देखो ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे सामने करो, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हुआ तो बड़ा गर्दन नीचे डाल, बैल थोड़े चिपके हुए, एडी वगैरह नहीं होनी चाहिए, हाथ ऐसे सीधे साफ डाल, बिल्कुल इंडियन आ रहे हैं, बिल्कुल हाथ पैर नीचे नीचे क्लोज होना चाहिए, सामने पे टाइट होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, इसकी हाइट 176 इसकी हाइट है, इसके बाद में इसका चेस्ट लगेगा, चेस्ट इधर आओ, आप आइए आप इधर आओ, इधर नेक्स्ट आधे लो नेक्स्ट सामने खड़ो, सामने इधर लाओ 88 ये इंडियन आर्मी में सिलेक्ट है, उसके बाद में वेट हाइट अकॉर्डिंग वेट होता है, ऐसे ही रख देते हैं सिर पे 60 केजी वेट 170 है मैक्स, पुलाव 84 फेल 58 पास नेक्स्ट जल्दी 180 हाइट ठीक है 180 बिल्कुल पैर सीधे चिपका दे ऐसे हाथ सावधान में 80 फलाव 170 फलाव नहीं है दोबारा से फुलाना ठीक है फलाव 85 पास 70 पास 70 इधर दिखाओ हाइट को ये बिल्कुल इसके खड़ा हुआ है देखो इसके पोजीशन 160 इसकी हाइट जा रही है पूरी फिक्स स्किल के द्वारा चलो नेक्स्ट 80 खुला 86 पास नीचे नहीं होना है अपन को तो 70 खड़े रहना वो करने वाला अपने आप173 खुला 80 फेल 170 हट जाओ नेक्स्ट 170 picks.